दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। जाले कृषि विज्ञान केंद्र में बीज का हुआ वितरण। अनुमोदन के बाद युवा जदयू पदाधिकारियों की सूची जारी। संगतियों को दूर करे शिक्षा विभाग संघ। विद्यालय भवन का जल्द करे निर्माण सांसद। 6 महीने में 6 करोड़ को लगेगा कोरोना का टीका। या संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन कपड़े और मेडिसिन किट। शहर में नाड़ा उड़ाही का काम जल्द करे डीएम। अब खबर विस्तार से। जाले कृषि विज्ञान केंद्र में बीज का हुआ वितरण। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा स्थित क्षेत्रीय केंद्र की ओर से अनुसूचित जाति उप परियोजना के तहत पूसा में विकसित धान के बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के 200 किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति के किसानों के बीच धान के बीज का वितरण करते हुए बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि भारत एवं राज्य सरकार किसानों के हित के लिए सजग एवं सभी वर्गों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इस दिशा में आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किसानों तक उन्नत बीज, उन्नत कृषि यंत्र और तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए मैं देश के किसान बंधुओं को नमन करता हूं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से अनुरोध या कि वे लोग बिना किसी भेदभाव के किसानों तक समान रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का इसी तरह ईमानदार प्रयास करते रहें। अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने अच्छी उत्पादकता के लिए किसानों को उन्नत विधि से धान की नर्सरी लगाने की विधियों की जानकारी दी। अनुमोदन के बाद युवा जदयू पदाधिकारियों की सूची जारी। जदयू जिलाध्यक्ष सवेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में युवा जदयू जिलाध्यक्ष राम शंकर सिंह ने संगठन को धारदार बनाने को लेकर युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्षों एवं विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की। रेहड़ियासराय स्थित परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसी संगठन की मजबूती में युवाओं की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा संगठन की रीढ़ होती है, इसलिए इस बार विधानसभा स्तर पर एक युवा को प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा की नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रही है। युवा जदयू जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि उत्तर बिहार युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी से अनुमोदन के बाद सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 20 जून को होने वाले जदयू की भलचूर बैठक में फेसबुक लाइव से दरभंगा युवा जदयू कार्यकर्ता जुड़कर अपने नेता व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष श्री सिंह के अनुसार काविलास मंडल को दरभंगा सदर, प्रभात कुमार सिंह बहादुरपुर, नमन कुमार चौधरी हनुमान नगर, मनीष कुमार बहेड़ी, मोनू चौधरी बिरोड़, चंदन कुमार राय कुशेश्वर स्थान, अनुजीत कुमार कुशेश्वर स्थान पूर्वी, आजाद कुमार प्रसाद सिंहवाड़ा, अकरम परवेज केवटी, ऋतिक रंजन टार्डी, दुर्गेश कुमार झाड़ीनगर, मिर्जा रमीज बेग जाले, सुनील कुमार महतो मणिगाछी, अरुण पंडित बेनीपुर, जयनाथ लाल देव हायाघाट, आजाद खान किरतपुर, बाबू साहब पासवान घनश्यामपुर एवं कृष्णनंदन ठाकुर को गोड़ाबरम का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। विश्व प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र कुमार सहनी को बहादुरपुर, अभिजीत कुमार यादव हायाघाट, सरोज कुमार चौधरी बेनीपुर, किशोर कुमार गुप्ता गोड़ाबोराम, गौरव कुमार राय कुशेश्वर स्थान, पंकज कुमार झा हरिनगर, आशुतोष अमन जाले, प्रशांत कुमार झा कैप्टी, मोहम्मद फैसल दरभंगा ग्रामीण एवं विपुल कुमार को दरभंगा शहर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू के वरीय उपाध्यक्ष एजाज अख्तर खान, गौरव कुमार राय, अमित कुमार राय, बिट्टू मोहम्मद जमीदुल, विकास यादव, कमलेश कुमार मंडल, शशि प्रसाद शाह, रविन्द्र कुमार, विमल कुमार चौधरी, सत्य चौधरी आदि उपस्थित थे। संगतियों को दूर करे शिक्षा विभाग संघ। बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निगरानी जांच के लिए शिक्षकों के प्रमाण पत्र एवं मेधा सूची को वेब पोर्टल पर अपलोड करने की विज्ञप्ति जारी होने पर TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की ओर से आपत्ति जताई गई है। TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करते हुए मेधा सूची अपलोड करने से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की गई है। संघ के जिला प्रवक्ता धनंजय झा ने शनिवार को कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों को उनकी न्यायोचित मांगों से भटकाने की साजिश कर रही है। विभाग यह सोच रहा है कि शिक्षकों को इन मांगों में उलझाकर रखेंगे तो वे अपनी मूल मांगों से भटक जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि किसी भी कर्मी की मेधा सूची, आवेदन, रोस्टर आदि को देखरेख और संधारण की जिम्मेदारी नियोक्ता या नियोजन इकाई पर होती है, लेकिन निदेशक महोदय की विज्ञप्तियों में शिक्षकों को ही मेधा सूची अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब यही बताएं कि क्या शिक्षक स्वयं बहाल होकर आ गए हैं और क्या उन्हें किसी प्रक्रिया के तहत बहाल किया गया है। नियोजन इकाई के पदाधिकारियों को बचाने के लिए शिक्षकों को फंसाने की साजिश की जा रही है। विद्यालय भवन का जल्द करे निर्माण सांसद।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौर प्रखंड अंतर्गत प्रस्तु सती उच्च विद्यालय परडी का शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया तथा वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने विद्यालय की वर्तमान स्थिति को देख आक्रोश व्यक्त किया और भवन निर्माण के लिए निर्देशित किया। सांसद ने कहा कि इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 में स्वीकृति दी गई और लगभग 37 लाख रुपए की राशि भी निर्गत की गई। उन्होंने सभी विभागीय कार्य को पूर्ण करते हुए इस विद्यालय भवन निर्माण कार्य को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने को अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विद्यालय के मैदान की दयनीय स्थिति को देखते हुए आक्रोश व्यक्त किया तथा मैदान के जीर्णोद्धार के लिए अविलंब उपयुक्त कार्रवाई करने तथा शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने को भी निर्देशित किया। सांसद ने कहा कि जिले के 119 हाई स्कूलों की चहल दीवारी और 99 विद्यालयों के भवन को निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। सांसद ने समीक्षा बैठक में कंप्यूटर की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण एवं समीक्षा के दौरान सांसद के साथ डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान इंद्र कुमार कर्ण, डीपीओ माध्यमिक साक्षरता संदीप कुमार, बीओ बिलोर कृष्णा कुमार, विभाग के एई धनंजय कुमार दास, कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार, बीआरपी बिरोर रमेश ठाकुर सहित भाजपा जिला मंत्री उमेश चौधरी, भाजयुमो महामंत्री घनश्याम राय, शशिकांत ठाकुर, अवधेश कुमार झा, शिवजी प्रसाद यादव, नंदकिशोर झा बेचन, हीरा प्रसाद ठाकुर, कौशलेंद्र आदि मौजूद थे। 6 महीने में 6 करोड़ को लगेगा कोरोना का टीका। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में शनिवार को अंबेडकर सभागार में टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की गई। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जून को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 21 एवं 22 जून को इस अभियान को विशेष रूप में सफल बनाने के लिए संपूर्ण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराएंगे एवं इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर टीकाकरण स्थल चिन्हित करने, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराना सुनिश्चित कराने को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को आयोजित मुख्यमंत्री के संबोधन को शाम 4 से 4:45 बजे तक लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों जीविका दीदियों को भाग लेने को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी 21 जून को अपने अपने आवंटित प्रखंड में भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनाने को निर्देशित किया। बैठक में डीडीसी तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रे, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, आपदा प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुर हसन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद, डीपीएम स्वास्थ्य एवं जीपिका, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, यूनिसेफ के शशिकांत सिंह तथा ओमकाल चंद व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। कोरोना अनलॉक के सेकेंड फेज में प्रयास ग्रुप अब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच कपड़े, भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट का वितरण की शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में आज प्रयास ग्रुप के द्वारा दरभंगा शहर के डीएमसीएच में जरूरतमंदों के बीच भोजन, कपड़े के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट बांटा गया। वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बॉडी पेन जैसे बीमारियों के लिए मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। कोई भूखा न सोए इसके लिए उनका पेट भरने के लिए प्यासलत है। मौके सादाब प्रयास के अध्यक्ष सादाब अख्तर ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों की मदद करती आ रही है। उनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जिससे लोगों अपनी जोत साझा कर सकते हैं और उनकी टीम उनकी जोतों को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी। प्रयास के महासचिव अंजुम जसीम ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों को ब्लड भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, साथ मेडिसिन भी मुहैया करा रही है। वहीं मौके पर प्रयास के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुष्मिता झा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी असद सानू ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों के बीच मौजूद है और उनकी समस्या को समाधान कर रही है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ मेडिसिन, भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सेक्रेटरी रिजवान, एग्जीक्यूटिव मेंबर नफीसा अली, नाजिया हसन अफजल, इंजमाम रिजवान, आरिफ नजीब, साहिल रंजन रफी मौजूद रहे और लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किए। शहर में नाड़ा उड़ाही का काम जल्द करे डीएम। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में दरभंगा शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर नगर विधायक संजय सलावगी की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। नगर विधायक ने अनुरोध किया कि शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े नाले जिनका लिंक कमला नदी से है उनकी सफाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जिन नालों की सफाई का काम किया जा रहा है उसे लगातार जारी रखा जाए। जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नाला उड़ाही कार्य में अतिक्रमण के कारण उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया। इस पर डीएम ने बहादुरपुर सीओ को अतिक्रमण खारी करवाने का निर्देश दिया। सफाई कार्य में बिजली के तार से हो रही कठिनाई को भी ठीक करवाने का बिजली विभाग को निर्देशित किया गया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।